क्षत्रिय ग्रुप आप कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। बीएलए द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसको समझ सकेंगे, यानी कि हमारे समाज के लिए हमारे लिए दूरस्थ शिक्षा क्यों आवश्यक है, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इसके बारे में जान सकेंगे समझ सकेंगे। तो सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा का अर्थ समझ लेते हैं कि क्या होता है इसके अर्थ। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता नीड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। शिक्षा को वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक तत्व बना दिया है, यानी कि अब भौतिकवादी समय ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूरस्थ शिक्षा को एक आवश्यक तत्व बना दिया है। व्यक्ति यदि अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में निरक्षर रहा है तो वह प्रवण अवस्था में अध्ययन कर सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति औपचारिक शिक्षा या जीवन के शुरुआत समय में शिक्षा नहीं ले पाया है तो प्रौढ़ावस्था में भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर सकता है। तथा यदि किसी व्यक्ति ने अपनी औपचारिक जो विद्यालयी शिक्षा होता है शिक्षा का पूर्ण कर ली हो तो वह अपने जीवन में उन्नति के लिए भी दूरस्थ शिक्षा से जुड़ सकता है। या फिर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है अगर कोई मनुष्य है वह अपनी औपचारिक शिक्षा को पूर्ण कर लिया है और किसी सर्विस में लग गया है फिर भी वह आगे की शिक्षा लेना चाहता है अपनी पद को पदोन्नत करने के लिए तो वह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने को उन्नत के मार्ग पर ले जा सकता है। व्यक्ति किस प्रकार निरक्षर हो अथवा साक्षर शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है व्यक्ति यदि निरक्षर है यदि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है अथवा साक्षर है पढ़ा लिखा है सभी शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु शिक्षा जो अपने सीमित संसाधनों के कारण सर्व सुलभ नहीं हो पाती तो शिक्षा वैकल्पिक साधन के रूप में प्रयोग की जाती। क्या है व्यक्ति अगर निरक्षर है कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है या फिर साक्षर है तो अगर वह उसके लिए शिक्षा क्या है महत्वपूर्ण है। अगर उसके पास साधन भरपूर नहीं है उपलब्ध मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं है तो वो क्या कर सकता है वैकल्पिक शिक्षा किसके माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आधुनिक युग में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित विधियों के माध्यम से समझा जा सकता है। यह बताया जा रहा है कि आधुनिक समय में इस समय में वर्तमान समय में हमारे लिए दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार आवश्यक तत्व बन गए हैं इसको निम्नलिखित जान सकते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। पहला पॉइंट है वह क्षेत्र जहां पर शैक्षिक संस्थान उपलब्ध नहीं है वहां विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इच्छित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर शिक्षा को पूर्ण तथा उपयोगी बना सकता है। यानी कि यहां पे बताया जा रहा है कि वह क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र भयावह क्षेत्र जहां पे शिक्षण संस्थान जहां से व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर सकते हैं वह संस्थान अगर उपलब्ध नहीं है तो वह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मनचाहा पाठ्यक्रम अपनाकर शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को उपयोगी बना सकता है। भारतीय संविधान तथा भारतीय सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा भी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। फिर भारतीय सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा माध्यम एक सशक्त माध्यम सिद्ध होता है।
हमारे संविधान पीठ के द्वारा भी शिक्षा को अनिवार्य बताया गया है, फिर मेरी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा भी सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। अगर कोई संस्थान से जुड़ के शिक्षा नहीं ले सकता है तो वह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जैसे कि आप लोग अभी हाल ही में जो हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र थे, वो कोई इंटर पढ़ा था, कोई ग्रेजुएशन पढ़ा था, तो सरकार ने उनके लिए नियम लाए कि वह दूरस्थ विधि से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी करना है, फिर वह सरकारी टीचर बन सकते हैं, परमानेंट टीचर बन सकते हैं। तो वे शिक्षा मित्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएलएड यानी कि बीटीसी किए और फिर सेट क्वालिफाई किए, फिर सरकार को उपाधि देने शिक्षक के पद पे चयन हो गए। तो इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा हमारे जीवन में महती भूमिका अदा करती है। तीसरा पॉइंट है, अनेक ऐसे भी देश हैं, क्या है, अनेक ऐसे भी देश हैं जहां वैज्ञानिक तकनीकी तथा मानव संसाधन की अन्यता है, यानी कि मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है, तथा परंपरागत शिक्षा प्रणाली इस अन्यता को दूर करने में असमर्थ है, यानी कि साधन भी नहीं है हमको शिक्षा ग्रहण करने के लिए और सरकार के द्वारा व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। तो उस अवस्था में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अतः दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अधिक विनियोग किए बिना ही शिक्षा का प्रसार हो सकता है, शिक्षा का ज्ञान पा सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। चौथा पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ज्ञान तथा अधिगम, ज्ञान शिक्षा तथा सीखने को विभिन्न उपाय तथा क्षेत्रों का प्रसार सुगमता के साथ किया जा सकता है। किसके माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान भी मिल जाता है, हमको कैसे सीखना है, क्या सीखना है, इसके माध्यम से हमें आसानी से मालूम हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की अन्य आवश्यकता माध्यमिक स्तर पर छात्रों के दबाव को कम करता है, यानी कि हमारे पास जब दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, मुक्त विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी, तो जो हमारे माध्यमिक स्तर के विद्यालय है इस पे गवर्नमेंट का ज्यादा दबाव था, प्रेशर था। जब दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो गई, मुक्त विद्यालयों की व्यवस्था उपलब्ध हो गई, जिसके कारण जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है इस पे दबाव कम हो गया, इसके कारण माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी तरह से चलना शुरू कर दिए। छठा पॉइंट है, भारत की बीमारू राज्य कहे जाने वाले राज्यों, बीमारू राज्य मतलब गरीब राज्य, जो अपने आप में डेवलप न कर सके, विकास न कर सके, उस राज्य से मेरा मतलब है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये लोग क्या है, बीमारू राज्य, गरीब राज्य, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए देश राज्य है। तो उत्तरांचल एक भी राज्य है, में शिक्षा की स्थिति अत्यंत निम्न स्तरीय है, यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक स्तर जो है निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का नहीं है। ऐसी अवस्था में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन राज्यों की स्थिति में सुधार अवश्य हो लाया हो जा सकता है। कैसे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने स्थान पे रहकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, मुक्त विद्यालयों के माध्यम से वह चीज उपलब्ध कर सकता है, सीख सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सातवां पॉइंट है, कच्ची शिक्षा पर शिक्षा के आधुनिक स्वरूप में अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है। कच्ची शिक्षा से मेरा मतलब है कि विद्यालयी शिक्षा अगर हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उस पे खर्च यानी कि व्यय ज्यादा पड़ता है। अतः शिक्षा में अन्य व्यय दूरस्थ शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, यानी कि उस शिक्षा को, शिक्षा के व्यय को कम करने के लिए दूरस्थ शिक्षा सबसे सर्वसुलभ साधन के रूप में हमारे पास है। आठवां पॉइंट है, सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्राप्त कराया जाता है जो कि रूढ़िवादी प्रणाली में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु वह शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करना चाहते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, वह संस्थानों में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं
ग्रहण करना उचित नहीं समझते हैं वैसे व्यक्तियों के लिए दूरशिक्षा सबसे उपयुक्त साधन है, माध्यम है, जिसके माध्यम से वह अच्छे से अच्छे शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नौवां पॉइंट है परंपरागत शिक्षा, यानी जो शिक्षा पहले से चली आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं है, ऐसी शिक्षा को हम परंपरागत शिक्षा कहते हैं। अपने परंपरागत प्रारूप में सर्वसुलभ सर्व उपयोगी नहीं हो पा रही है, उस शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो उपयोगी हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा का प्रसार अत्यंत ही आवश्यक है, यानी कि हमारे पुराने स्तर पे पुराने परंपराओं के अनुसार जो हमें शिक्षा मिलती थी वो हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं है, तो उस उपयोगिता को पूर्ण करने के लिए प्राप्त करने के लिए हम जो शिक्षा को अपना सकते हैं जिसके माध्यम से हमें आसानी से और सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त हो जाती है। दसवां पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन में प्रारंभिक समय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। यहाँ पे शिक्षा विदों ने बता रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा वह है कि अगर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वह व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है जब वो अपने प्रारंभिक काल में जब जीवन से शुरुआत करता है तो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है और कुछ समय चलने के बाद वो पढ़ना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है तथा अपने आप को समृद्धि के मार्ग पे आगे की तरफ ले जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। दूरस्थ शिक्षा एक और क्या है कि उन्हें किसी संस्थान में किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर बैठे ही बैठे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान समय तथा परिस्थितियों में अत्यधिक मांग है। इन ढेर सारी परिस्थितियों को देखते हुए दूरस्थ शिक्षा आज के जीवन में वर्तमान समय में सबसे सर्वसुलभ साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। इसकी सहायता से शिक्षा को सर्वसुलभ सर्वोपयोगी तथा रोजगार बनाया जा सकता है, यानी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को सर्वसुलभ उपयोगी व्यवसायी रोजगार परक बनाया जा सकता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।